we discuss a formula a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Algebraic expressions में हमने और भी बहुत सारे formulas जो जैसे कि मैंने पीछे भी प्रूफ किए. टुडे आज ही हमारा लास्ट फार्मूला है और हम इसको विथ प्रूफ करेंगे. आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें. टेक अ लेफ्ट हैंड साइड, हम इसकी ये वाली साइड लेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे. हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली, लुक एट दिस, क्या मैं इसको किस तरीके से प्रूफ कर रही हूँ. देखें, ए प्लस बी प्लस सी, फिर दोबारा ब्रैकेट, ए स्क्योर प्लस बी स्क्योर प्लस सी स्क्योर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. अब हमने करना ये है, इसमें हमने इस एलिमेंट को पकड़ना है, इसको हर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. फिर हमने इसको इसके साथ, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर सिमिलरली ये भी इस ब्रैकेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ए को हमने लिखा और इस ब्रैकेट के सब जो भी हमारे पास नंबर्स हैं वो हमने लिख दिए. लुक एट दिस, ठीक है. नेक्स्ट प्लस बी के साथ मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख दिया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. फिर प्लस सी के साथ मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. नाउ अब मुझे ये करना है कि इस एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. सो ए क्यूब फर्स्ट आ जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर. फिर अब मैं बी को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इट्स अ ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, ठीक है, सी और योर ए. प्लस के साथ ए स्क्वायर सी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब आ गया हमारे पास, ठीक है. फिर हम लिखेंगे माइनस ए बी सी, ए बी और सी. फिर माइनस के साथ अब यहाँ लिखेंगे बी सी स्क्वायर, फिर माइनस के साथ लिख देंगे सी स्क्वायर ए. नाउ अब आपको ये करना है, आपको नज़र आ रहा है कि ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, हम इन सबको देखें, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, हमने इनको यहाँ पे लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. इतनी साइड तो हमारी आ गई. नाउ अब हम इसको मज़ीद देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें कटिंग होगी, जो इसके लाइक टर्म्स होंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे उनके ग्रुप्स बना लें आप और देन कटिंग कर लें. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ए बी स्क्वायर है, हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर आता है, इट्स अ ए बी स्क्वायर. लुक एट दिस, ये रहा, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. नाउ ए स्क्वायर दिस, ठीक है. अब ए स्क्वायर, आप ए सी स्क्वायर अब आगे देखेंगे आप, इट्स ए सी स्क्वायर इज दिस, ए सी स्क्वायर दैट इज द सी स्क्वायर ए, बोथ आर द सेम, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली माइनस ए स्क्वायर बी, हम इसमें देखेंगे इट्स ए स्क्वायर बी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया. फिर आगे आप देखेंगे माइनस, इसको स्किप करते हैं, आगे देखें आप माइनस, इसको मैंने स्किप इसलिए किया क्योंकि हमारे पास माइनस ए बी सी, एक दफा यहाँ पे आप लिखें, ठीक है. आगे आप देखेंगे तो माइनस ए बी सी कहाँ है, ये रहा, उसको आप एक दफ़ा दोबारा लिख दें, ठीक है. फिर तीसरी दफ़ा ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, हमारे पास जितनी दफ़ा था हमने उसको लिख दिया, सही. जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स रह गए अब उनको देखें, माइनस सी ए स्क्वायर दिस और माइनस सी ए स्क्वायर दिस, ये आपस में कैंसिल हो गए, सही. आगे बी सी स्क्वायर और हमारे पास यहाँ बचा
बी सीज क्या है, इट्स आल्सो अ कैंसल. नेक्स्ट बी स्क्वायर सी दिस और सी बी स्क्वायर बोथ आर द सेम, इट आल्सो कैंसल. अब हमारे पास कोई भी टर्म नहीं बची, जो मेरे पास थी मैंने सब यहाँ लिख दी. नाउ इट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है. इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो क्योंकि इन तीनों के जो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे. इट्स विल बिकम माइनस थ्री ए बी सी एंड दिस इज दी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव. एग्जाम्पल, अब हम किस तरीके से इस फार्मूले को हम अपने एग्जाम्पल से देखेंगे, किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है इसको. देखिए, आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी. आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 88 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10. हमें गिवन क्या है, हमें ये दो चीज़ें जो हैं वो गिवन है और हमें प्रूव करना है दिस, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप ये लिख लें सबसे पहले कि गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 88, सही, और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10. हम इन दोनों को यूज़ करते हुए चलेंगे. अच्छा, अभी जो सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया, फार्मूला हमें क्या बात बताता है, सिंस जैसा कि हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सही, एंड द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सही. अच्छा, आपको हमें जैसा कि हमें हमने फार्मूला पढ़ा, अब हमें कहा ये क्या है, हमने इसकी ये वाली चीज़ प्रूफ करनी और दो चीज़ें हमें गिवन है, सही. अब आप इस चीज़ को लेते हुए चलें ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. सो द ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. अब आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन है वो आप इसमें पुट कर दें. आपने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट की, दैट इज 10, ठीक है. आपने इसकी जगह पे वैल्यू को पुट कर दिया जो कि हमें गिवन था. फिर हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू जो गिवन थी उसको पुट कर दिया. अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है. इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें. आपके पास क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सही. अब हमने अपने पीछे जो फार्मूलाज पढ़े हैं उनको यूज़ करना है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए. हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछा मेरी वीडियोस को देखिएगा, मैंने फार्मूले में बताया था, अपने फार्मूला ये था हमारे पास जो कि मैंने प्रूफ करके बताया था, दैट इज़ द ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक. इस फॉर्मूले को मैंने प्रूफ किया है पीछे. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. अब हमने इस फार्मूले की मदद से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. अब आपको ये बात पता है कि हमें जो चीज़ गिवन है हम इसको इसके अंदर पुट कर देंगे. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, एंड वी विल गेट, ठीक है. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और हम एंड वी गेट, हम क्या हम क्या जो है वो चीज़ हासिल करते हैं. देखें, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है, इट्स अ 10 स्क्वायर आपने लिख देंगे इस इक्वेशन में पुट की, ठीक है. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू देखें हमारे पास क्या गिवन है, इट्स 88, वो मैंने पुट कर दी, ठीक है. अब प्लस टू आप इसमें से कॉमन ले लें, इसमें से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए। चूंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो नाउ वी विल सॉल्व इट। इट्स 100, या आपके पास 100 आ जाएगा। इट्स 88 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इस 88 को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो वो इसका साइन जो होगा वो चेंज होगा, दैट इज 100 माइनस 88। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सही। अब आप क्या करेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट हुई 12 और 2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे और इट्स आपके पास वैल्यू आई 6, 2 6 12, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब एक वैल्यू जो ये मैंने हमने खुद से कैलकुलेट कर ली, ठीक है, एक वैल्यू जो ये ए प्लस बी प्लस सी जो के गिवन है, और एक वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 88, ये भी गिवन है, सही। अब हमारा फार्मूला क्या है, अब हम उसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं और हमारे पास हमारी आइडेंटिटी हासिल हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास फार्मूला है इट्स ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए क्यू। हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, देखें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC वो हमने यहाँ लिख दिया। अब पुट द वैल्यू, सबसे पहले आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। आपके पास क्या है, दैट इज 10, सही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 88, सही। और माइनस का साइन चूंकि कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, अपने पीछे अभी इक्वेशन में देखें यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लेकर इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा था, सही, जो पीछे लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया था, तो अब हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई, दैट इज 6, सही। अब आप करेंगे ये कि आप इस 88 में से माइनस कर देंगे 6 को, दैट इज 82, आपके पास 82 आ जाएगा। और अब 10 को जब 82 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 820। दिस इज द आंसर ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। दिस इज अवर आंसर। आई होप कि आपको जितने भी मैंने फार्मूलाज बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे, और मैंने अप्लाई करना भी बताया है कि हाउ वी कैन अप्लाई दीज क्वेश्चंस इन आर क्वेश्चंस, हम इन फार्मूलाज को किस तरीके से अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।